हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी मैथ और नंबर सिस्टम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चल रही है। कब आया था एसएससी सीएचएसएल? 1 जुलाई 2019 में पूछे गए थे। इफ ए 9 डिजिट नंबर 43x1145y2 इज डिवाइडेड बाय 88 देन द वैल्यू ऑफ 3x-2y फॉर द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ y। अब देखो y का स्मॉलेस्ट निकालना है तो इसको क्या करता है सर, 88 को दो फैक्टर में डिवाइड करता है, 8 और 11 में। ध्यान से सुनना, 88 को हमने दो फैक्टर में डिवाइड कर लिया, 8 और 11। अब देखो सर एक चीज़, ये लास्ट वाला नंबर होना चाहिए 5y2, ये अनिवार्य होना चाहिए जो 8 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो क्या होता है सर, 8 से डिविजिबल, अगर इसको 0 पकड़ ले तो कितना होता है सर, 8 चौका 48, तो 48 आ गया, 48 और कितना होता है सर, 2 50 आता है तो 2 नहीं हो रहा है, 8 चौका 32, तो y के वैल्यू 1 होना अनिवार्य है मिनिमम सबसे, तो 8 चौके 32। ठीक है, ध्यान से सुनना, y के वैल्यू 1 के अनिवार्य है, हम लोग पकड़ लेते हैं y के वैल्यू 1 हो सकता है। ठीक है, और कुछ प्रोबेबिलिटी नहीं सर, 8 चौके 32, 8 6 48, 8 7 56, कुछ नहीं हो सकता। और एक हो सकता है सर, 8 3 कितना होता सर, 8 6 48 किए थे। ठीक है, अब देखो सर, 8 7 56, ठीक है, 8 7 56 अगर करेंगे, 8 7, और एक हो सकता है 8 7 56, अगर 56 अगर कर लेते तो 6 3 9, तो y के वैल्यू 9 आ जाता, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो हमें y के वैल्यू 1 रख देता है क्योंकि लीस्ट वैल्यू स्मॉलेस्ट वैल्यू बोला था। ठीक है, अब 11 से डिविजिबिलिटी मतलब सर, इंटरचेंजेबल नंबर या फिर बोल सकते हो अल्टरनेट नंबर का साम क्या होना चाहिए, अल्टरनेट नंबर का साम करके उन लोगों का डिफरेंस निकालते हैं, तो वो 0 और y 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो अल्टरनेट नंबर ये है, ये है, ये है एंड ये है, और ये क्या है अल्टरनेट नंबर, और ये क्या है अल्टरनेट नंबर, ये देखो 4+x, 4+x+1+5+2, तो कितना होता है 5 2 7 1 8 4 12, तो 12+x ये नंबर आ गया, माइनस यहाँ से क्या होता है 3 1 4 4 8 8 और प्लस y, तो 8 - y, तो क्या होता है सर, 8 4 12, तो 4+x - y, तो ये आता है। ठीक है, ये बराबर क्या होना चाहिए सर, एक ये नंबर जो हमने निकाला 4+8 - y, ये नंबर किससे डिविजिबल होना चाहिए, 4+x - y, ये 0, या तो 4+x - y, ये तो 0 होना चाहिए, और यहाँ से क्या आना चाहिए, और 11 होना चाहिए। क्या 11 पॉसिबल है, अब ध्यान से सोचना, तो x+y के वैल्यू अगर 0 हो रहा है, तो x-y के वैल्यू कितना आ जा रहा है, सॉरी x-y के वैल्यू कितना आ जा रहा है, -4। ठीक है, और अगर x-y के वैल्यू क्या आना चाहिए सर, 11-4 बराबर कितना आना चाहिए सर, मतलब 7 4 11 7 आना चाहिए। अब ध्यान से देखो, y के वैल्यू क्या होना चाहिए, x+7 हो जाएगा, यहाँ से x-7 हो जाएगा, तो ये क्या पॉसिबल है, नहीं सर, y लीस्ट होगा, तो x तो उससे भी छोटा हो जा रहा है स्मॉलेस्ट वैल्यू से, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये ले लेते हैं। ठीक है, x-y = 7, तो यहाँ से y के वैल्यू 1 पुट कर देते, तो x का वैल्यू कितना आता है, 7 1 8। तो ध्यान से सुनो, हमें क्या फिलअप करना है, ये वाला वैल्यू निकालना है, तो 3 8 - 2 1 = 2, 8 3 24 - 2 = कितना आता सर, 22 आ गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।